नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक है हमारा, एनएससी ने जो मार्जिन इंक्रीज किया है उससे किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। दोस्तों इस इशू को समझने से पहले हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें सबसे पहले इफेक्ट कौन होगा। पहले उससे आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ब्रोकर कितने तरह के होते हैं। ब्रोकर होते हैं दो तरह के, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर जो प्योरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे ज़िरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया और फायर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरा ब्रोकर की कैटेगरी है जो पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं, जो ऑफलाइन अप्रोच में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल हुआ, कारवी हुआ, शेर खान हुआ, इंडिया इन्फ्लाइन हुआ, बहुत सारे हैं। इनके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बट ये वो ब्रोकर्स हैं जो ऑफलाइन भी काम करते हैं। पहले इन दोनों ब्रोकर्स के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर वो है जो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों अपने पास खोलता है। उसके पास आप अगर चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट अटैच करा सकते हैं, बट 90% जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अपने साथ ही खुलवाएंगे आपका। वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको 20 टाइम 40 टाइम लिमिट्स देना चाहते हैं, बट आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उसी के ऊपर आपको लिमिट मिलेगी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम ऑफलाइन ब्रोकर्स की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, वो आपके गुड फेथ पे भी काम करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आप सपोज ये टूर में हैं, आपके ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, रिलायंस का शेयर का भाव मान लीजिए 1500 रुपये और आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, तो 1500 × 1000 मतलब 1500000 रुपये का माल आपको खरीदना है। आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, ब्रोकर का आपका गुडविल बहुत अच्छा है, आप कहते हैं सर मैं 2 दिन बाद दिल्ली पहुंच जाऊंगा, T+2 का तो है ही, और T+7 तक बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मार्जिन फंडिंग तक कर देते हैं। उनको पता है कि इस क्लाइंट का कभी चेक बाउंस होता नहीं है, ये क्लाइंट मेरा बहुत प्राइम क्लाइंट है, बहुत पुराना क्लाइंट है, तो वो आपको लिमिट दे देते हैं, बिना पैसे के आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करने के वो अलाउ कर देते हैं। वो 1500000 रुपये तक का मार्जिन भी दे देते हैं। कुछ ब्रोकर्स तो हैं जो आप 1-1 करोड़ का मार्जिन आप उनसे ले सकते हैं सिर्फ फ़ोन करने के बेसिस पे, क्योंकि आपका गुड फेथ है, आपको अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ऐसे ब्रोकर्स हैं, जो ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं, जो आपकी गुड फेथ पे आपको लिमिट देते थे, लिमिट कैसे देते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स का पैसा उनके पूल अकाउंट में पड़ा होता है। एनएससी को मार्जिन वो ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुके थे, बट वो आपका पैसा नहीं है, किसी और के पैसे की वजह से आपको लिमिट मिल जाती है, तो आपने क्या किया, एक्चुअल में सिस्टम का मिसयूज किया। अब सभी नहीं चाहते कि सिस्टम में कोई भी लूप होल रहे, कोई भी फ्लॉ रहे, ठीक है। तो इस न्यूज का क्रक्स ये है कि जितने भी ऐसे ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं जो बिना मार्जिन के आपको काम कराते थे वो नहीं करा पाएंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मुझे इस न्यूज में कोई भी गलती नहीं दिखाई देती। अगर आपका पैसा आपके ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे देखिए, आधे से ज्यादा लोगों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि FNO के अंदर में फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, तो आपको फिजिकल सेटलमेंट होगी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में भी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर फिजिकल सेटलमेंट हो रही है तो कैश में तो पहले से है ही है, ठीक है। कैश में आपको पूरा पैसा देकर काम करना ही पड़ता था, और आपके ब्रोकर अगर आपकी गुडविल पे, आपके खाली रिलेशनशिप के ऊपर में आपको पैसा दे रहा है, आपको शेयर्स उठाने दे रहा है, तो गलत है वो, ठीक है। सिस्टम का मिसयूज है जिसकी वजह से आने वाले समय में, बीते समय में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, तो जिसने पैसा दिया है उसका पैसा अटक गया। सेबी नहीं चाहती कि जिस आदमी ने अपना पैसा पूरा दिया हुआ है और वो यूज नहीं कर रहा है, उसका पैसा अगर वहां पे आइडल पड़ा हुआ है तो उसके पैसे के बेसिस पे दूसरा क्लाइंट ट्रेडिंग क्यों करे, अब समझने की कोशिश कीजिए। जहां तक ऑनलाइन ब्रोकर्स की बात आती है, ऑनलाइन ब्रोकर्स में ऑटोमेटिकली लिमिट मिलती है आपको जितना आप पैसा डालते हैं, तो वहां पे तो इशू आएगा ही नहीं। ये इशू आने वाला है ऑफलाइन ब्रोकर्स को, तो जितना भी बवाल होने वाला है, जितना भी ह्यू एंड क्राई होने वाला है, वो सारा का सारा ऑफलाइन ब्रोकर्स की तरफ से होने वाला है। ऑनलाइन ब्रोकर्स को वो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है कि होगा क्या। जैसे फ्यूचर्स में आप एक इनिशियल मार्जिन रखते हैं, जैसे फ्यूचर्स की बात कीजिए, रिलायंस का हमने शेयर की बात की, मान लीजिए 1000 शेयर ले रहे हैं, आपको 500 शेयर का लॉट है रिलायंस का, 1500 का भाव चल रहा है, मान लीजिए 1.5 लाख में लॉट आ जाता है, एक रैंडम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं अगर आपको इक्विटी में भी शेयर्स लेने, तो आपको वहां भी एक मिनिमम मार्जिन इंट्राडे में पोजीशंस बनाने के लिए देना ही होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वो मार्जिन दिए बिना अपने पोजीशंस को कैरी नहीं कर सकते। इंट्राडे की लिमिट आपको किसी भी बेसिस पे मिल सकती है, बट अगर आपने जैसे FNO के लॉट को आप कैरी कर सकते हैं अगले दिन 1.5 लाख रुपये देके, पर अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, आपने ब्रोकर से लिमिट ले ली 7 टाइम्स की, अगर आपने उस पर 500 शेयर लाइन्स खरीद लिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इंट्राडे में कर रहे होंगे, इंट्राडे में ही काट रहे होंगे, आप उसको कैरी नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, आप उसको कैरी कर लेते थे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, आपका ब्रोकर 8 टाइम्स लिमिट दे देता था कैरी करने के लिए। अब कोई कैरी करना नहीं होगा, आपका जितना अवेलेबल मार्जिन है उसके अकॉर्डिंगली आपका ब्रोकर आपको 2 टाइम 7 टाइम 8 टाइम कैरी करने की इजाजत दे सकता है, बट आपका इनिशियल मार्जिन वही होगा जो आपके NSE ने निर्धारित किया है। जो भी तय मार्जिन है वो आपको देने ही होंगे। और दोस्तों सिस्टम को ठीक करने के लिए NSE और SEBI हमेशा से कदम उठाते रहे हैं, ताकि आपके और हमारी हार्ड अर्न मनी कभी खराब ना हो। हाल फिलहाल में हमने देखा कारवी स्टॉक ब्रोकिंग जैसी बड़ी कंपनी ने कितना बड़ा घोटाला किया, कितना बड़ा घोटाला किया, ठीक है। वही चीजें, इन चीजों को देखते हुए SEBI समय समय पर सतर्क होती है और सिस्टम को अच्छा करने के लिए रूल रेगुलेशंस लेके आती ही रहती है। 31 दिसंबर
पर कोई सर्कुलर आ गया था, उससे पहले भी 15 दिन पहले सर्कुलर दे दिया गया था कि हाँ 1 तारीख से 1 जनवरी से ये तय में आ ही जाएगा, ये इंप्लीमेंट होगा ही होगा, तो इसमें नया शोर मचाने वाली कोई बात थी ही नहीं। ये ब्रोकर्स को पहले से ही पता था ये होने वाला है, ये तय था, और जो सर्कुलर पहले आ जाता है वो इंप्लीमेंट उसी दिन से हो जाता है। अभी अगर चर्चा की बात है, अगर बहुत सारे ब्रोकर्स अगर अपनी बात को उठा के सेबी के पास जाएंगे कि नहीं हमारा बिजनेस हिट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सेबी को अगर लगेगा उनकी बात को सुनना है तो कोई अमेंडमेंट्स हो सकती है। बट मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है, पैसा है तो काम कीजिए, पैसा नहीं है तो काम मत कीजिए। दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, जितने भी लोग इंट्राडे के चक्कर में नुकसान खाते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा लिवरेज मिलती है। अगर आप बहुत साल पहले, अगर 1-1.5 साल पुरानी अगर मेरी वीडियो देखेंगे, वहाँ मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बोलता, तब से बोलता आ रहा हूँ, मार्जिन लेके काम करने से नुकसान होता है। दोस्तों क्यों, मार्जिन लेके आपने काम किया, आपको अपना पैसा तो है नहीं, दूसरे का पैसा है, आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने पैसे से काम करेंगे ना तो आप कभी भी केयरलेस नहीं होंगे, दूसरे का मार्जिन लिया तो आपको लगता है ठीक है यार दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप उसके बेसिस पे जो लिमिट ली होती है, आपको लगता है कि भाई मैंने 1 लाख डाले, 20 लाख मेरे ब्रोकर ने दे दिए, 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट आएगा। पर आप ये भूल जाते हैं कि 20 लाख के ऊपर जब नुकसान होगा तो सबसे पहले आपकी अपनी कैपिटल का होगा, आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, जो MTM लॉस होगा, जो डेली का लॉस होगा, वो आपका आपके मार्जिन से सेटल होगा, आपके अपने पैसे से सेटल होगा, ब्रोकर के पैसे से सेटल नहीं होगा। ब्रोकर अपना पैसा लेगा, अपना ब्याज भी काटेगा, आपसे अपना पैसा भी वापस लेगा और आपका नुकसान होकर रह जाएगा। मैं इस कदम की तारीफ करता हूं, मुझे लगता है ये कदम सराहनीय है। आपको बेवजह की एक्स्ट्रा लिवरेज लेके ब्रोकर को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा कमाना है, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की थी, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ब्रोकर के पैसे को लेकर करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना ही कभी ऐसा हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों ये कदम अच्छा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी जितने भी आज डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास काम कर रहे हैं लोग, पैसा रख के ही काम करते, बिना पैसे तो वो लिमिट मिलती ही नहीं है, तो इस इश्यू को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ उन ब्रोकर्स को इशू जरूर है कि जो बिना वजह किसी और के मार्जिन पे आपको लिमिट दे देते थे, वो आपको लिमिट नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक्सचेंज को आपको डेली MTM कैश में भी आपको रखना ही होगा। जैसे फ्यूचर्स में आप ट्रेड लेते हैं, 1 लाख का आपने ट्रेड लिया, अगर मान लीजिए 20,000 का MTM लॉस हो रहा है तो एक्सचेंज कहती है कि आपको वो सेटल करना ही होगा, तो 20,000 का जो लॉस है जिसको हम MTM लॉस कहते हैं, मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं, वो आपको सेटल करना ही होगा। वैसे ही आपको इक्विटी में भी उस मार्जिन को मेंटेन करना ही होगा, वो MTM लॉस भी आपको ब्रोकर को डेली के डेली सेटल करना ही होगा। इसलिए अगर वो मार्जिन नहीं है तो आपको दिक्कत जरूर आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाले टाइम में भी लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।